बीकानेर में स्वर्गीय नारायण प्रसाद खत्री की स्मृति में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी तथा फॉरेंसिक मेडिसिन विभाग सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज के संयुक्त तत्वावधान में संभाग स्तरीय फॉरेंसिक सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यशाला का शुभारंभ ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी, मुख्यमंत्री के सलाहकार डॉ जितेंद्र सिंह और डॉ विजय खत्री, डॉ तनवीर मलावत आदि ने दीप प्रज्वलित कर किया। संभाग स्तरीय सेमिनार में हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, चूरू और बीकानेर के 60 से अधिक पुलिस महकमे के आला अधिकारी शिरकत कर रहे हैं और उद्देश्य है कि फॉरेंसिक साइंस जो कि अभी अनटच्ड सब्जेक्ट है, इसमें बार बार फ्रेश लेटेस्ट एजुकेशन या ट्रेनिंग्स के प्रोग्राम पुलिस के लिए भी नहीं होते हैं और जो डॉक्टर एक लंबे अंतराल के बाद सेवा में चले जाते हैं तो वो इससे कट ऑफ रह जाते हैं और जब उनको नई तकनीक्स और ज्ञान के अभाव में वो घबराते हैं, एविडेंसेस के बारे में उनके एनालिसिस ठीक से नहीं कर पाते हैं। तो इसका एक तो फ़ायदा ये होगा कि जो डॉक्टर्स हैं जो इतने टाइम से इस लाइन से दूर हैं, कट ऑफ हैं या फ्रेशर्स हैं, कोर्ट की या कानूनी प्रक्रियाओं के साथ में जुड़ने से कतराते हैं, एविडेंस के बारे में सही ज्ञान नहीं रखते हैं, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। फॉरेंसिक सेमिनार जो आज आयोजित किया गया है रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा, मेडिकल कॉलेज के द्वारा, फॉरेंसिक लैब की जो आवश्यकता है, फॉरेंसिक साइंस आज अपराध को रोकने के लिए पूरे देश में बहुत ही उपयोगी साबित हो रहा है और आज बीकानेर में काफ़ी वरिष्ठ डॉक्टर्स फॉरेंसिक साइंस से जुड़े हुए हैं जो हमारे यहाँ बीकानेर में आए हैं। तो मेरा ये कहना है कि एक बहुत ही अच्छी सेमिनार आयोजित हुई, उसमें पुलिस के अधिकारी और डॉक्टर्स दोनों शामिल हुए हैं और दोनों के तालमेल से ये जो फॉरेंसिक साइंस की उपयोगिता है उस पर चर्चा होगी और आने वाले समय में अपराध को रोकने के लिए फॉरेंसिक साइंस और अच्छी साबित हो, उसके अच्छे परिणाम आए। आज मेडिकल कॉलेज बीकानेर में फॉरेंसिक साइंस को लेकर के एक संभाग स्तरीय वर्कशॉप रखी गई है जिसमें डॉक्टर्स, पुलिस अधिकारी और माननीय मंत्री महोदय उसमें पधारे हैं। हमें विश्वास है कि जो एक्सपर्ट्स बाहर से आए हैं वो अनुसंधान की बारीकियों को समझाने में और जो अपराधी हैं उनको सजा दिलाने में फॉरेंसिक्स की क्या सहायता मिल सकती है वो हमें ज़रूर सिखा के जाएंगे और बीकानेर संभाग से ज़रूर लाभान्वित होगा। फॉरेंसिक सब्जेक्ट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जो न्याय देने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और मेरा जो टॉपिक है वो DNA फिंगरप्रिंटिंग पे है। DNA फिंगरप्रिंटिंग आज की डेट में हर मेडिकल लीगल केस में इतना महत्व हो गया है कि जैसे एक डॉक्टर एक पैरास्टामोल हर बीमारी के लिए देता है कि उसे आराम मिलेगा, वैसे ही एक DNA फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक आज मेडिकल लीगल केसेस में यूज़ किया जाता है क्योंकि ये 100% एक्यूरेट टेस्ट है और इस बेसिस पे इंसान को एक इनोसेंस भी प्रूव होती है या गिल्ट भी, अगर गिल्टी हो तो वो भी प्रूव होता है, इनोसेंट हो वो भी प्रूव हो जाता है।